Next question, 2018 का सवाल है. It says a block of mass m is placed on a smooth inclined wedge ABC of inclination theta as shown in the figure. The wedge is given an acceleration A towards the right. The relation between A and theta for the block to remain stationary on the wedge will be. Now pseudo force का सवाल है, आसान सवाल है. तो इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट हमने को समझने होंगे कि ये आपका जैसे फॉर एग्जांपल वेज है ABC, इसको हमने नाम दिया है और यहाँ पे आपने एक छोटा सा ब्लॉक रखा है. सरफेस आपकी फ्रिक्शनलेस है तो आपका फ्रिक्शन ज़ीरो है और अब इस ब्लॉक को हमने A एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में दिया है. ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, लेट से इसके ऊपर पहिए हैं, ये बना लेते हैं. ऑलराइट, अब इस ब्लॉक को आपने A एक्सेलेरेशन दिया है. हमें वो कंडीशन बतानी है इस थीटा के एंगल के ऊपर और इस A एक्सेलेरेशन के ऊपर सच दैट ये वाला ब्लॉक आपका स्टेशनरी रहे विद रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइन प्लेन, नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ये आपका स्टेशनरी रहे विद रिस्पेक्ट टू वेज, यह अपनी कंडीशन है. नाउ बड़ा सिंपल सवाल है. अगर इसके हम FBD बनाएंगे स्मॉल m का, तो स्मॉल m के ऊपर नीचे लग रहा है mg फोर्स और इसके ऊपर क्योंकि एक्सेलेरेशन इसका सामने वाली साइड है तो इसके ऊपर पीछे की तरफ एक लगेगा सूडो फोर्स. अब इसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में देख रहे हैं इसके रेस्पेक्ट में, राइट. तो उसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में पीछे आपका एक एक्सेलेरेशन इस ब्लॉक के ऊपर पीछे रहेगा. ग्राउंड फ्रेम में इस छोटे ब्लॉक के ऊपर कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, लेकिन जब हम फ्रेम चेंज करेंगे तो उस केस में इसके ऊपर एक्सेलेरेशन होएगा. नाउ हम ये चाहते हैं कि ये आपका ब्लॉक जो है ये स्टेशनरी रहे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो अगर इस के ऊपर हम फोर्सेस लिखेंगे तो ये अगर आप इस डायरेक्शन में इनको इवेलुएट करेंगे तो ये एंगल क्योंकि थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा और ये आपके नॉर्मल की डायरेक्शन है थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा. हम ये कहेंगे कि अगर ये आपका ब्लॉक स्टेशनरी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो इस ब्लॉक के ऊपर जो दो फोर्सेस लग रहे हैं अलोंग द इंक्लाइन, ये वाला फोर्स इस तरफ हो जाएगा mg साइन थीटा और ये वाला फोर्स जो है इधर, अच्छा ये A एक्सेलेरेशन है तो इसके ऊपर फोर्स ma कह सकते हैं, उसका एक कंपोनेंट हो जाएगा ma cos थीटा. अब क्योंकि ये स्टेशनरी है इस फ्रेम में तो ये दोनों कंपोनेंट बराबर होने चाहिए. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ma cos थीटा विल बी इक्वल टू mg sin थीटा. m विल गेट कैंसल्ड और अगर इसको हम नीचे cos थीटा को sin थीटा के नीचे ले जाएं तो ये हो जाएगा a बाय जी विल बी इक्वल टू tan थीटा. सो ये अपनी नेसेसरी कंडीशन है फॉर दिस ब्लॉक टू बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन. राइट, सो बेस्ड ऑन दिस हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी A इज इक्वल टू जी tan थीटा would be the right answer.